और मेरे गुजरात बोर्ड कैसे हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी वैक्सीन देने वाला हूं एसएस की, जिसमें आप एसएस में कंफर्म गारंटीड पास पास और पास, कोई भी आपको इससे रोक नहीं सकता। तो हे गुजरात बोर्ड, मैं सीएस गौरव सेठ, आपका एसएस का गुरु और टीचर, और मैं आपको आज बताऊंगा कि हमें क्या वैक्सीन लेनी है। तो आपको पीछे दिख ही गया होगा, मैं आपको गुजरात बोर्ड का डिटेल जो सैंपल पेपर जो है, वो बोर्ड मॉडल पेपर जो है, उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा और इससे आपको क्लैरिफाई करूंगा हमें कौन से चैप्टर्स में से कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का पढ़ना है और इंडिविजुअल चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखे आपके सामने फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि 24 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो टोटल 24 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स है। देन 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर है। आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 9 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 9 2 दैट इज 18। एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 3 मार्क्स के हैं, 9 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट ओनली 6 करने हैं, तो 6 3 18 मार्क्स का। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो टोटल 7 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से मैप क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। तो 5 4 देखिए आपको 5 4 दैट इज 20 जो है। तो ये आपका टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 80 मार्क्स का। अब हम देखते हैं किस टाइप का फॉर्मेट जो है वो बोर्ड वालों ने हमें दिया है। तो देखिए सेक्शन ए जो कि हमने देखा था 24 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखिए सबसे पहला कंपलसरी आपको फिक्स है, मैच द फॉलोइंग ही आने वाला है, दैट इज 5 मार्क्स का। तो देखिए आपको इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, जो भी 5 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछे जाएंगे, ये देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया है। और इसके भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर इन 1 or 2 words, कंपल्सरीली विदाउट एनी ऑप्शन आपको 4 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, 1 word में आपको पूछेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स एमसीक्यू। तो यहां पर देखिए आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आपको पता ही है एमसीक्यू, दैट इज 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन ए का एनालिसिस, जहां पर हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है, ओनली यही ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। तो अब हमें पैटर्न में चेंजेस आए हैं, अब हमें इंटरनल ऑप्शन नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूं, कोई चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको पूछा जाता था पहले के पेपर में। लेकिन अभी आपको डायरेक्टली क्या चेंज हो गया, आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई भी 9 आपकी मर्जी है, जिसे करना है आप करिए। तो सबसे पहले देखिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, हमें या तो स्टेटमेंट या गिव रीजन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये देखिए आपको ये पूरा पूछ लिया है और पूछा गया है ऑस्ट्रोलॉइड का, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें किसी के पर्सन की इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ मेडिवल पीरियड वॉज अमीर खुसरो। तो हमें एक लाइन दे दी है, अमीर खुसरो के बारे में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एंशियंट मॉन्यूमेंट, जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे, पायर्स हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज एंड आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट। तो ये है ताजमहल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 मार्क्स के हिसाब से हमें लिखनी है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द टर्म या डिफाइन या मीनिंग। तो सिंपल सा एग्जांपल है, डिफाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड, कोई भी मीनिंग आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि नए टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, सिचुएशन दे देंगे आपको या कोई भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। ये देखिए, कोई भी डैमेज अगर होता है कंज्यूमर को बाय ट्रेडर, तो वो कौन से कंज्यूमर राइट से कंज्यूमर कोर्ट जो है वो जा सकता है। तो हमें यहां पर सिचुएशन दे दी है, तो हम जाएंगे राइट टू सीक रिड्रेसल और उसको 2 मार्क्स के हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए,
अगर आपको ब्रश बाय ही नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, और शॉपकीपर जो है वो मना कर रहा है कि मैं आपको दूसरे टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ यही देने वाला हूं, तो यहां पर हमने देखा इन दिस केस वेस्ट कंज्यूमर राइट इज वायलेटेड बाय द सेलर। तो हमारे पास राइट टू चूज है, तो आपको ये कंडीशन दे दी कि अगर शॉपकीपर मना कर रहा है तो कौन सा राइट टूट या वायलेट हो रहा है, तो राइट टू चूज, और हमें 2 मार्क्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ये देखिए, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो कौन सा लोगो देखेंगे, तो ये हमने देखा है हॉलमार्क, और उसके बारे में हमें थोड़ा 2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको सिचुएशन दे देंगे और उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि सिंपल सा जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कितने टाइप के सॉइल होते हैं और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई मी। अब आइडेंटिफाई मी में आपको कुछ कुछ किसी की कैरेक्टरिस्टिक या कुछ भी दे देंगे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे देंगे, और हमें उसको आइडेंटिफाई करने। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए ऐसे पूछ सकते हैं, आई वॉज लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और मुझे आचार्य भी कहा जाता है केमिस्ट्री का, तो वो हमने देखा ही है आचार्य नागार्जुना। और इसी के साथ साथ आपको पूछा है कि मैंने कौन कौन सी बुक लिखी है ये जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हमने ये देखा ये रसर रत्नाकर और आरोग्य मंजरी उन्होंने बुक लिखी है। अगर जियो की बात करें तो जियो में आपको कोई भी सॉइल का एक फीचर दे देंगे और उसे आइडेंटिफाई करना है और उसकी दूसरी फीचर्स जो है वो लिखनी है। और इकोनॉमिक्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर अवेयरनेस पे, जितने भी इमेज ऐसे दे रखे हैं, लोगोस दे रखे हैं, वो अच्छे से करके जाने, फुल फॉर्म अच्छे से करके जाने, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन जो वो भी अच्छे से याद करके जानी, तो इको में हमें पूछेंगे और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा सेक्शन बी जो है, यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे, इसी तरीके से पढ़ के जाना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी के बारे में, यहाँ पर भी सेम है, आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें ओनली 6 क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको सिंपल सा शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दे ही रखा है वर्ल्ड लेबर मार्केट खजुराहो टेंपल का शॉर्ट नोट लिखो। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी चैप्टर्स में डिफरेंस बिटवीन है, जो चैप्टर्स में डिफरेंस बिटवीन है पॉसिबल है, सारे अच्छे से करके जाने, शॉर्ट शॉर्ट आपको एग्जाम में पूछेंगे, आपके मार्क्स पक्के हैं डिफरेंस बिटवीन में। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर दे रखा है चैप्टर 9 में और टेररिज्म एंड रेबिलियन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जा रहे, तो जितने भी डिफरेंस बिटवीन है हमारी टेक्स्ट बुक में सब अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई द पिक्चर भी पूछ सकते हैं, पिक्चर आपको दे दी है और उसके बारे में हमें शॉर्ट में लिखना है, तो ये जो है वो रेड फोर्ट है और उसके बारे में हमें पूरी डिटेल लिखनी है। अब हमें कोई भी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन इन डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये देखिए, देयर इज नो स्क्रिप्चर नो स्कल्पचर नो नॉलेज नो डीड, नेम द आर्ट विथ विच दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो हमें ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये ड्रामेटिक आर्ट, तो उसके बारे में हमें डिटेल पूछा गया है, तो हमें ये कोटेशन वाले जो टेक्स्ट बुक पे दे रखे हैं वो भी अच्छे से करके जाना है। और या सिंपल सा आपको दे देंगे लिस्ट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो भी प्लेसेस है उसके बारे में हमें पूछा गया है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, या तो सोल्यूशन इफेक्ट रिजल्ट फैक्टर्स कुछ भी इफेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रीजन क्या है पॉवर्टी इतनी एमर्ज क्यों हो रही है, रेमेडीज ये देखिए रीजन ऑब्जेक्टिव रेमेडीज, रेमेडीज मीन सोल्यूशन और इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब दिस इज न्यू वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट मार्क्स गेनिंग है, आपको यहाँ पर कोई भी सोर्स या टेबुलर फॉर्म में दे देंगे, ये आपको एग्जाम में पूरा टेबुलर फॉर्म देंगे और हमें 3 क्वेश्चन जो है 1-1-1 मार्क्स के यहाँ पर पूछेंगे। तो आपको ये टेबुलर बेस तो देखे, विच इज द कंट्री हैविंग द हाइएस्ट ह्यूमन इंडेक्स, तो यहाँ पे देखा हमने हाइएस्ट ह्यूमन इंडेक्स और यहाँ पर सबसे पहला है नॉर्वे, नॉर्वे का हाईएस्ट ह्यूमन इंडेक्स है। इन विच ग्रुप ऑफ एचडीआई इज इंडिया इंक्लूडेड, तो सबसे पहले देखिए इंडिया कहाँ पर है, इंडिया 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 ये रहा, तो इंडिया यहाँ पर है और हमने देखा ये ग्रुप है तो मीडियम एचडी में इंक्लूडेड है, एकदम इजी है, पूरा टेबल में ही आंसर आपको दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एचडीआई ऑफ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट का एचडीआई पूछा है तो ये रहा एकदम इजी अबाउट 0.802, तो दिस इज वेरी इजी एंड मार्क्स गेनिंग, हमें जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में या कहीं पर भी टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं वो अच्छे से करके जाने हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन डी के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है,
एनी फोर आउट ऑफ सिक्स, सिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से एनी फोर करने हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन डी, जहां पर अच्छे से याद रखना है मैप वर्क जो है वो कंपल्सरी है, मैप वर्क को अच्छे से ही करके जाना है, आपके मार्क्स जो है वो फिक्स है, 4 मार्क्स का कंपल्सरी आने ही वाला है। और हमें पता है कि मैप वर्क हमें जियो के चैप्टर्स में से ही कर रहे हैं, और बिकॉज 5 चैप्टर है तो हमें एग्जाम में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें से यहाँ पे चैप्टर 8, 9, 10 और 13 से दिया गया है, वाटर रिसोर्सेज छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें वाटर रिसोर्सेज में से डैम्स का नॉलेज होना चाहिए। बाकी अगर मैं 4 मार्क्स की बात करूं तो हमें सिर्फ यही चैप्टर 5, 10, 18, 20 में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये एकदम थरली हमें डिटेल में ये सारे चैप्टर जो ये 4 चैप्टर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, जितने भी टॉपिक है अच्छे से करके जाने हैं। तो अब देखिए आपको यहां पर अगर मैं एनालिसिस की बात करूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एज पर पेपर, तो यहां पर देखिए एमसीक्यू जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो सब में पूछे गए हैं एक्सेप्ट 9 और 11, तो सब में से अब 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपको 2 मार्क्स के दे दिए हैं, ये देखिए आपको सारे चैप्टर, बस ये कुछ कुछ चैप्टर जो है जिसमें नहीं पूछा गया है, बाकी सब में पूछा ही गया है। ये देखिए मैंने आपको बताया था मैप जो है वो सिर्फ इसमें से ही आने वाला है जियो के क्वेश्चन में से, 4 मार्क्स की बात करें तो वो भी मैंने आपको बताया इन 4 में से ही आने वाले हैं, और बाकी के 3 मार्क्स के आपको यहां पर दे दिए गए हैं। तो हमें इसी तरीके से हमारे एसएसके पेपर को करके जाना है एकदम एनालिसिस के साथ। आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे।